हरे कृष्णा। तो आज हम छठे स्कंद में से दूसरे अध्याय जो विष्णु दूते द्वारा अजामिल का उद्धार, उसमें से तीसरा श्लोक पे चर्चा करेंगे। पहले जय राधा माधव करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा निकुंज बिहारी राधा निकुंज बिहारी राधे, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्णा। अध्याय का शीर्षक है विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। श्लोक क्रमांक 13। अथ एनम मा उपनयत कृत शेष अघ निष्कृतम यदसौ भगवन नाम म्रियमानः समग्रीहत। अथ इसलिए एनम उसको मा मत उपनयत ले जाने का प्रयास करो कृत पहले किया हुआ अशेष असीम अघ निष्कृतम उसके पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित यत क्योंकि असौ उसने भगवत नाम भगवान का पवित्र नाम म्रियमानः मरते समय समग्रित पूर्ण रूपेण उच्चारण किया। श्लोक का भाषांतर है इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर तथा अत्यंत जोर जोर से भगवान नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। एकमात्र
उसी उच्चारण ने पूरे पापमय जीवन के फलों से उसे पहले ही मुक्त कर दिया है। इसलिए हे यमराज के सेवकों, तुम उसे नरकीय दशाओं में दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करो। तात्पर्य, विष्णु दूतों ने श्रेष्ठ अधिकारी होने के नाते यमदूतों को आदेश दिया, जो यह नहीं जानते थे कि अजामिल को अब उनके विगत पापों के लिए नरकीय जीवन में यातना नहीं दी जानी है। यद्यपि उसने अपने पुत्र के संबंध में नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था, किंतु पवित्र नाम दिव्य रूप से इतना शक्तिशाली है कि अजामिल स्वतः मुक्त कर दिया गया, क्योंकि उसने मरते समय पवित्र नाम का उच्चारण किया था। अन्ते नारायण स्मृतः, भगवत गीता 7.28, इसमें कृष्ण पुष्टि करते हैं, एषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिस मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है और जो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं, तब वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जब तक कोई सारे पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, वह भक्ति के पद तक नहीं उठ सकता। भगवत गीता में अन्यत्र कहा है, अंतकाले च मामेव स्मरणुक्त्वा कलेवरम् या प्रयाति समद्भावम् याति नास्तत्र संशय। यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण या नारायण का स्मरण करता है, तो वह निश्चित रूप से तुरंत ही घर वापस जाने अर्थात भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम् श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने पिछले अध्याय में देखा कि अजामिल का चरित्र, कैसे अजामिल जो है वह एक सुशील ब्राह्मण था और वह अपनी साधना वह ठीक तरह से कर रहा था, पर वह वैश्या और एक शूद्र को अलिंगन कर रहे थे
तब उसने वह दृश्य देखा और उसके मन में वही दृश्य जो है वह हो रहा था, स्मरण हो रहा था, और उस कारण वह अजामिल जो है तो बाद में उसका पतन हुआ। यह हमने पिछले अध्याय में देखा था और बाद में हमने देखा कि कैसे वह अजामिल जो है वह वैश्या का निरंतर स्मरण कर रहा था, और एक दिन उसने उस वैश्या को अपने घर में लाया और उसकी जो पत्नी और बाकी जो घर के सदस्य थे उनको उसने घर से बाहर निकाल दिया, और उस वैश्या को वैश्या के आनंद के लिए वह अलग अलग प्रकार के उसको उपहार देता था, और वह उसने अपनी जो भी संपत्ति थी उस संपत्ति पे उस वैश्या पे उसने लगा दिया, और बाद में वह इतना नीचे गिर गया कि वह जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, और यहाँ तक कि छोटे बच्चों का अपहरण करके वह उनसे संपत्ति इकट्ठा करने लगा। और फिर बाद में जब वह उसके 10 उस वैश्या से उसके 10 पुत्र हुए, और सबसे छोटे पुत्र जो है उस छोटे पुत्र का नाम जो है वह नारायण रखा गया था, तो वह उस नारायण से बहुत आसक्त था। वो जहां भी कुछ भी करने जाए तो वह नारायण नारायण की तरफ ही उसका ध्यान रहता था, वह हमेशा नारायण नारायण ही करता था। और बाद में जब मृत्यु उसके समीप आई तो वहां पर 3 विष्णुदूत प्रकट हुए, 3 यमदूत प्रकट हुए। वह यमदूतों का जो स्वरूप था वह बहुत ही भयावह था, और उस स्वरूप को देख के यह अजामिल जो था वह अजामिल बहुत डर गया, और उसने अपने पुत्र जो नारायण है उसको स्मरण किया और उसको पुकारने लगा, नारायण नारायण। वह अंतिम समय में भगवान का नाम का स्मरण, भगवान का नाम लेते देखते वहां पर विष्णुदूत प्रकट हुए, 4 विष्णुदूत वहां पर प्रकट हुए। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने नारायण यह शब्द, 4 शब्द है, तो वह 4 शब्द वह भगवान का नाम स्मरण किया, पुकारा, तो वहां पर वह 4 विष्णुदूत प्रकट हुए, और 3 यमदूत जो है वह यह अपना मन देह और बुद्धि इनका जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। और वहां पर जो विष्णुदूत प्रकट हुए, फिर विष्णुदूत और यमदूत इनके बीच में एक बहुत बड़ा संवाद चलता है, और जो इस संवाद में विजय होगा उसी का वह उनको ही वह अजामिल के शरीर पे उनका अधिकार होने वाला था। तो बाद में विष्णुदूत जो है विष्णुदूत वहां से यमदूतों को परास्त करते हैं अपने वचन से और एक दृष्टांत देके, और फिर बाद में वह जो यमदूत होते हैं वह यमदूत फिर से अपने यमलोक वापस जाते हैं, और वह विष्णुदूत उस अजामिल को उन यमदूतों से छुड़ाते हैं। तो बाद में यह जो अजामिल था वह अजामिल को यह सब उन्होंने स्मरण किया था कि कैसे यमदूतों ने
यमदूत आए थे और यमदूत के का विष्णुदूत के कारण उसकी मुक्तता हुई। तो बाद में फिर उसको पश्चाताप हुआ कि उसने जो जीवन अपना जीवन व्यतीत किया था वह बहुत ही पापमय जीवन व्यतीत उसने किया था। इस कारण फिर बाद में वह अपने घर का त्याग करता है और बाद में तीर्थ स्थल जाके वहां पर भगवान की भक्ति वह फिर से शुरू करता है। और बाद में वही विष्णुदूत उन्हें अजामिल को लेने आते हैं और वह अजामिल अपने भगवत धाम वापस लौटता है। तो यह जो कथा है अजामिल की, वह कथा सुखदेव गोस्वामी भक्ति की जो शक्ति है वह सिद्ध करने के लिए सुखदेव गोस्वामी यह अजामिल का इतिहास का वर्णन जो है वह करते हैं कि किस तरह भगवान का सिर्फ नाम लेने से वह अजामिल जो जिसने इतने पापमय कृत्य किए थे वह सब पापमय कृत्य जो है वह पापमय कृत्य उसे उसके इस जन्म के नहीं तो अनंत पिछले जन्मों के जो पापमय कृत्य थे वह सब नष्ट हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने अजामिल ने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया था। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन उक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय। तो यह चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो दिया है उसमें से एक विशिष्ट देन है यह नाम संकीर्तन। 64 प्रकार के भक्ति के अलग अलग अंग है, उसमें से 5 अंग जो है वह अति महत्वपूर्ण है। उसमें साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास और श्रद्धा से अर्चा विग्रह की सेवा। यह जो 5 है वह 5 जो भक्ति के अंग है वह सबसे महत्वपूर्ण बताए गए हैं। उसमें से भी संकीर्तन जो है भगवान के नाम का उच्चारण यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहता है, तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरापाप निरापराधे नाम ले पाए प्रेम धन। तो जो कोई यह भगवान नाम जो है वह निरापराध भाव से लेता है तो उन्हें प्रेम धन ये भगवान का जो प्रेम है वह उसे मिलता है। तो यह नाम जो है तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सिद्धो नित्य मुक्त अभिन्न नाम नाम नामिनो यह पद्म पुराण में कहा गया है भगवान नाम के महिमा में। तो अगर कोई यह सोचेगा कि जैसे कि अजामिल ने पूरे जीवन में अपने पूरे जीवन में इंद्रिय तृप्ति की और अलग अलग पाप कृत्य किए और फिर बाद में वह आखिरी समय में उसने भगवान का नाम लेके वह भगवत धाम लौटा, तो हम भी अगर ऐसा करेंगे तो हम भी भगवत धाम जा सकते। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस विषय में चर्चा करते हैं और वह टिप्पणी देते हैं कि अगर हम अजामिल की तरह अजामिल की नकल करें तो और इस भाव से कि अजामिल बुरे कार्य में लगा था और आखिर में नारायण नाम लेके उसकी रक्षा हुई तो यह एक नाम अपराध होगा। जैसे कि जो 7 अलग अलग नाम अपराध दिए गए हैं, 10 नाम अपराध व्यासदेव जी ने पद्म पुराण में 10 नाम अपराध का उल्लेख किया है। उसमें से 7वां जो है कि नाम के बल पर अपराध करना, नाम के बल पर पाप पाप करना, यह जो है वह
अगर हम यह सोचते हैं कि आखिरी समय में ही सिर्फ नाम लेंगे हम और हमारे सब पाप में कृत्य जो है वह नष्ट हो गए, तो यह एक अपराध होगा, ऐसा चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर कहते हैं। तो एक कथा आती है कि जिसमें एक व्यापारी जो होता है वह अपने जीवन का अंतिम समय ले अंतिम श्वास लेता है, तो वह देखता है कि कौन कौन मुझे यहाँ पर है, तो वह पूछता है कि मेरा बेटा आया है क्या, बेटी आई है क्या, पोता है क्या, ये सब है। तो वह उनसे कहता है आप सब यहाँ पर आए हैं तो दुकान में वहाँ पर चूहा जो है वह अनाज नष्ट कर रहा होगा, खा रहा होगा। तो ऐसे कह के वह अपना जो प्राण है वह छोड़ता है। तो जैसे कि भगवान कहते हैं कि जिस अंतिम समय में जिस भाव में हम हमारा देह छोड़ते हैं उसी भाव में हम हमें अगला जो देह है वह प्राप्त होता है। तो उस व्यापारी को उसी अगले जीवन में वह एक चूहा का जीवन मिलता है, चूहा का देह मिलता है। तो ऐसे ही शास्त्र में उदाहरण है कि भरत महाराज, भरत महाराज अपने राज्य को त्यागते हैं और वर्णाश्रम धर्म स्वीकारते हैं, वर्णाश्रम जो है वर्णाश्रम स्वीकारते हैं और भगवत प्राप्ति के लिए वह सब अपने राज्य संपत्ति उनको त्याग करके जंगल में जाते हैं। जंगल में जाने के बाद वह भगवत भक्ति में लगते हैं और अचानक एक दिन वो देखते हैं कि एक हरिण जो है वह एक छोटे हरिण को जन्म देती है और उसकी माँ जो है वह मृत्युमुखी गिरती है। तो वह उसे उन्हें लगता है भरत महाराज को कि यह हरिण जो है वह उसका पालन पोषण जो है वह मुझे करना चाहिए और यहाँ पर दूसरा कोई नहीं। तो वह उस हरिण का पालन पोषण करने लगते हैं और वो हरिण में वह इतने आसक्त हो जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वह उन्होंने अपने जीवन का जो सर्वोत्तम जो ध्येय था कि भगवत प्राप्ति करना है, तो भगवत प्राप्ति करने के अपने ध्येय से वह चूक जाते हैं और वह हरिण की ही सेवा में लगते हैं। ऐसे करते करते अंतिम समय वह में वह हरिण का स्मरण करते हैं और हमें पता है कि वह फिर अगले जो जीवन उनका रहता है वह हरिण का देह रहता है। तो इन दोनों कथाओं में जो एक व्यापारी था और एक भरत महाराज, इनमें यह भेद है कि भरत महाराज जो है भक्तिमय कार्य करते हुए उनका भक्ति में उन्होंने कार्य किया था, इसलिए उनको हरिण के शरीर में भी वह स्मरण था कि कैसे उनका पतन हुआ था और उस पतन के कारण, उस हुए पतन के कारण अभी उन्होंने अगले जो जीवन था हरिण का उसमें वह सतर्क हो गए थे और वह ऋषि के आश्रम के यहाँ पर रह के उनसे कथा जो होती थी वहां पर उनको वह सुनते थे और फिर बाद में उनका जड़ भरत के रूप में उन्हें फिर से जीवन उनको मिला। तो अंतिम समय में हम जिस भाव में यह देह त्यागते हैं उसी भाव में हमें उसी चेतना का हमें दूसरा शरीर जो है वह हमें प्राप्त होता है। तो हम जीवन भर जिस तरह यहाँ पर कहते हैं कि जीवन क्या है, जीवन यह एक मृत्यु की तैयारी है, तो हम मृत्यु के समय हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए उसका अभ्यास हमें हमारे पूरे जीवन में करना चाहिए। एक शास्त्र में यह एक कथा आती है कि द्वैपायन व्यास जी जो है वह अपने शिष्य
शिष्य जेमिनी, जेमिनी ऋषि उनको लिखने के लिए कहते हैं, कुछ श्लोक लिखने के लिए कहते हैं। और उस श्लोक लिखते लिखते वह एक टॉपिक पे आते हैं कि कैसे माया देवी जो है वह बहुत ही शक्तिशाली है और हमें हमेशा माया से सतर्क रहना चाहिए और भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो जैमिनी ऋषि कहते हैं कि नहीं, अगर हम जो है अभी उस स्तर से ऊपर आ चुके हैं तो हमें माया देवी जो है उनका कोई प्रभाव हम पे अभी नहीं होगा। वैसे उनको वह एक थोड़ा अहंकार हो जाता है, तो व्यासदेव जी को वह समझ में आता है और उनको फिर से वह शिक्षा देने हेतु वह उनको वह कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर तीर्थस्थल पे जा रहा हूँ, तो तुम अपनी कुटिया में वहीं पर रहना। तो उसी रात में बहुत जोर से बारिश वहाँ पर होती है, तो जैमिनी ऋषि के जो कुटिया थी उस कुटिया को के दरवाजे पर एक स्त्री आती है और उस दरवाजे को खटखटाती है। तो जैमिनी ऋषि वो दरवाजा खोलते हैं और उस स्त्री को वहां पर देखते हैं कि बहुत बारिश हो रही है और यह स्त्री जो है अगले जो है वह अकेले है और वह एक सुरक्षा रक्षा मांग रही है। तो वह जैमिनी ऋषि कहते हैं कि आप जो है तो वह मेरी कुटिया में सो जाओ और मैं फिर बाहर सोता हूँ। ऐसे कह के वह जैमिनी ऋषि उस स्त्री को अपने कुटिया में वह आश्रय देते हैं। और फिर बाद में वह जैमिनी ऋषि को जो है वह थोड़ा विचलित हो जाते हैं उस स्त्री के प्रति और वह फिर उसको दरवाजा जो है खोलने के लिए कहते हैं। और बाद में उस स्त्री को वह कहते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो जैसे वो ऐसा कह के उस स्त्री को आलिंगन देते हैं तो वह स्त्री का जो शरीर है वह व्यासदेव जी के शरीर में रूपांतरित होता है, क्योंकि वह व्यासदेव जी ही रहते हैं। वह उनकी जैमिनी ऋषि को एक शिक्षा देने हेतु यह करते हैं। प्रभुपाद जी के प्रसंग में प्रभुपाद से कोई व्यक्ति पूछते हैं कि प्रभुपाद जी आप वहाँ पर अलग अलग जो बाहर के स्वामी है वह अलग अलग एक जादू चमत्कार दिखाते, तो आपका क्या है? तो वह बताते कि यह जो अलग अलग देश में जे जो लोग हैं उनको भारत की संस्कृति भी जिनको पता नहीं थी और वह भारत की संस्कृति को उन्होंने भारतीय संस्कृति और भगवत भक्ति को इन लोगों ने अपने जीवन में उतारा है और यह जो पहले सब नियमों को वह जो तोड़ रहे थे अब वह एक ब्राह्मण स्तर पे आ गए और ब्राह्मण बन चुके हैं। यही जो है सबसे बड़ा चमत्कार है। तो हम हरिनाम की महिमा जो है वह सुनते हैं, तो उसमें आता है कि मृगारी की कहानी भी आती है कि मृगारी एक ऋषि मृगारी एक हत्यारा रहता है और वह जानवर जो है उनको आधा आधा ही मारता था और वह उसमें आनंद लेता था उनके तड़प में, और उनको जो दर्द होता था वह जानवरों को उनके आनंद उसे उस मृगारी को उससे वह आनंद लेता था। और एक दिन नारद मुनि वहां से जाते तो वो देखते हैं कि मृगारी जो है पशुओं की हत्या कर रहा है, तो उस पे दया आके फिर नारद मुनि
उनको उन पे कृपा करते हैं और उनको भगवान नाम प्रदान करते हैं। और फिर बाद में वह मृगारी जो है वह जोर जोर से भगवान का नाम जो है वह पुकारता है। तो भगवान का नाम पुकारने से वह जो मृगारी है उसके पाप में जो जीवन था वह सब नष्ट हो जाता है। और फिर बाद में वह नारद मुनि वहां से निकल जाते हैं। और फिर बाकी के गांव के जो लोग हैं उन्हें पता चलता है कि मृगारी जो है अभी सुधर गया है। तो हर रोज उसे कुछ ना कुछ वह भोजन लाके देते थे। और अब मृगारी ने बाकी जानवरों की हत्या करना भी सब छोड़ दिया होता है। और कुछ एक साल बाद वह नारद मुनि जो है वह पर्वत मुनि के साथ वहां से भ्रमण करते तो उन्हें देख मृगारी जो है दिखाई देता है। तो वह मृगारी जो है वह नारद मुनि की ओर आता है। तो वह ऐसे थोड़ा पाव जो है ऊपर नीचे करके आता है। तो नारद मुनि कहते हैं कि ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि नीचे जो है वह चींटियां है और वह चींटियां उस मृगारी की वजह से मर न जाए इसलिए वह ऐसा कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो मृगारी वह सबकी सब जानवर की सब पशुओं की हत्या वह करता था वह अभी चींटियों की भी मरने से वह हिचकिचा रहा है। तो यह जो है भगवान का नाम जो है वह लेने से उनमें दया जो है वह प्रकट हुई थी। ऐसे फिर तो हमें यह जो मनुष्य देह मिला है वह बहुत दुर्लभ है, किंतु अगर हम इस अवसर को प्राप्त करके भी अगर हम भगवान कृष्ण का भजन नहीं करते तो यह जीवन यह व्यर्थ हो जाएगा। हर समय इस संसार की गहरी आसक्ति का अनुभव हम करते हैं, दिन प्रतिदिन समय जो ये व्यर्थ कमाते हैं, जो हमें भगवान का जो नाम है और भगवत भक्ति है उसे गंभीरता से लेना चाहिए और भगवत भक्तों को का संग हमें ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। इस प्रकार हम भक्तिमय जीवन व्यतीत करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण।